Hey, what's up guys, Asif here once again, welcome back to our channel. आज के वीडियो में सात काफी कमाल का Android टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो आप सभी लोगों को पसंद आएंगे. तो वीडियो अंत तक देखते रहना, लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर दबा देना. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. पहला ट्रिक, कोई भी गाना सुनते वक्त अगर आपको उस गाने पसंद आते हैं, एक कौन से मूवी का गाना है या फिर कौन सा एल्बम का गाना है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन का भी जरूरत नहीं है. नहीं, ये पॉप नाम का एक सॉन्ग्स को मैं प्ले करने वाला हूँ और सबसे पहले गूगल को बुलाना है. हे गूगल, फाइंड दिस सॉन्ग. आवाज सही नहीं गया, मैं दोबारा बता देता हूँ. फाइंड दिस सॉन्ग. यहाँ पे गूगल सर्च करके तुरंत आइडेंटिफाई कर देगा कि ये कौन से मूवी का या फिर कौन से एल्बम का गाना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं ये पब नाम का एक एल्बम सॉन्ग है. कोई भी सॉन्ग्स को इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट ट्रिक, कोई भी न्यूज़ चैनल के वेबसाइट या फिर कोई अदर पेजेस आप पढ़ते वक्त अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो आपको गूगल काफ़ी कमाल से पढ़ के देगा. इंग्लिश वाला पेज हिंदी में भी पढ़ के देगा. सबसे पहले मलयालम लैंग्वेज को गूगल से पढ़वा देता हूँ. कोई भी अन्य लैंग्वेज को भी गूगल से रीड करवा सकते हैं. सबसे पहले गूगल असिस्टेंट को बुलाना है. ओके गूगल, रीड दिस पेज. अब सुन लो कमाल. संस्थान रंड पेर कूड़ी कोविड कासरकोड കാസർകോട് www.kasargodwarta.com 2020 ഏപ്രിൽ 19 സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്. अगर आप चाहे तो इसकी स्पीड कम कर सकते हैं, स्लो में पढ़वा सकते हैं या फिर फास्ट में भी रीड करवा सकते हैं. अब मैं दूसरा पेज ओपन करके इंग्लिश लैंग्वेज में भी रीड करवाएगा और उसको ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में भी रीड करवा के सुनाएगा. यहाँ पे NDTV का पेज ओपन कर दिया. ओके गूगल, रीड दिस पेज. Got it. From NDTV, Telangana first state to extend lockdown beyond May 3rd. अब आप हिंदी या फिर दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रीड करवाना चाहते हैं तो ऊपर 3-dot ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से हिंदी या फिर कोई भी दूसरे लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे मलयालम सेलेक्ट कर देता हूँ. मैं मुंदिन अपुरम लॉकडाउन विपुलीकरिक्कुन्न तेलंगानयिले आदित्य संस्थानं कुमार सुधीर वैभव तिवारी. തെലങ്കാന ലോക്ക്ഡൌൺ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്ക്ഡൌൺ 2 ആഴ്ചയിലധികം നീട്ടി. കാഫി കമാൽ കാ ട്രിക്ക് ഹൈ. കോയി ബി പേജ് കോ ഗൂഗിൾ സേ റീഡ് കർവാ സക്തേ ഹൈ. कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बिना यूज़ किए यूट्यूब के कोई भी वीडियो या फिर सॉन्ग्स को बैकग्राउंड में कैसे प्ले कर सकते हैं. सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब का वेबसाइट ओपन कर देना है और ऊपर 3-dot ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन में क्लिक करके इनेबल कर देना है. कोई भी सॉन्ग्स को उसके बाद प्ले करना चाहते हैं प्ले कर देना है. उसके बाद होम बटन दबाना है या फिर मिनिमाइज कर देना है. उसके बाद आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आना है और यहाँ पे आपको एक प्ले करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा. वहाँ पे टैप करना है और उस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं. इस तरह आप बैकग्राउंड में कोई भी गाने वगैरह प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट, कोई भी फ़ोटो के अंदर का टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं और टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करके यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और भी कई सारा चीज़ आप इस ट्रिक के साथ कर सकते हैं. तो सबसे पहले गूगल असिस्टेंट को बुला लेते हैं. ओके गूगल, और यहाँ पे आपको नीचे गूगल लेंस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे टैप करना है. टैप करने के बाद आपको काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है. सबसे पहले वाला ऑप्शन है ट्रांसलेट. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके कोई भी बुक या फिर कुछ भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो कैमरा के सामने लेके आ जाना है और ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कौन से लैंग्वेज से कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है. और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट कॉपी करना है. कोई भी इस तरह फ़ोटो कैमरा के सामने लेके आके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं. तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे टैप कर देता हूँ ट्री के ऊपर और सर्च बटन में क्लिक करना है तो यहाँ पे बहुत सारा ट्री का जो सैम्पल आ जाएगा. इस तरह जहाँ पे भी आप क्लिक करते हैं वो जगह यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा.
और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कोई भी चीज़ को फ़ोटो निकाल के शॉपिंग कर सकते हैं, और लास्ट वाला ऑप्शन कोई भी होटल में जाके फूड को आप फ़ोटो निकाल के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप बंच ऑफ एप्लीकेशंस एक साथ अनइंस्टॉल करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, वो भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बिना यूज़ किए? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और ऊपर थ्री लाइन ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐप्स एंड गेम्स ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड वाला सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन में जाना है, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ है सभी आ जाएगा, और यहाँ से जो भी अनइंस्टॉल करना है सभी एप्लीकेशन एक साथ सेलेक्ट करके नीचे आपको जाना है, तो एक साथ अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री ऐप नाम का ऑप्शन है, वहाँ पर टैप करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं एक साथ। जीमेल के अंदर एक्सपायरिंग या फिर गायब होने वाली मेल्स कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मेल सेंड करने के लिए नीचे प्लस वाला बटन में क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद जिसको आप मेल सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी, उसके बाद सब्जेक्ट सब कुछ यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद ऊपर थ्री डॉट ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियल मोड वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पे सेट एक्सपिरेशन नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे आपको एक्सपायर इन वन वीक लिखा हुआ है, वहाँ पर टैप करके एक दिन के अंदर या फिर एक हफ्ता, एक महीना, तीन महीना, पाँच साल के अंदर कब आप उस मेल को एक्सपायर करना चाहते हैं एक्सपायर कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे स्टैंडर्ड या फिर SMS पासकोड भी सेट कर पाएंगे। काफ़ी कमाल का ट्रिक है। विदाउट ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन के आप AR व्यू में एनिमल्स को देख सकते हैं, और एनिमल्स को अपने घर के सामने 3D व्यू में ला भी सकते हैं। सबसे पहले जिस भी एनिमल को आप 3D व्यू में देखना चाहते हैं यहाँ पर गूगल में सर्च करना है, यहाँ पर मैं टाइगर सर्च कर देता हूँ, आप अगर आप चाहे तो लायन, स्नेक कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा 3D व्यू, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एनिमल यहाँ पर 3D व्यू में आ जाएगा, और उसके बाद व्यू इन योर स्पेस ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है, आपके घर के सामने या फिर दुकान के सामने उस एनिमल को लेके आ सकते हैं, 3D व्यू में इस एनिमल को देख भी सकते हैं। काफ़ी कमाल का ट्रिक है। ओके, तो इन 7 ट्रिक में से आपको कौन सा ट्रिक पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।